हाय गाइस, मूवीज अपडेट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉन कार्टर मूवी के बारे में, जिसमें हम बेसिकली इसके सीक्वल पे बात करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो सेकेंड पार्ट देखने के लिए एक्साइटेड तो होंगे ही, क्योंकि पर्सनली मैं भी जॉन कार्टर मूवी को 5 to 6 टाइम देख चुका हूँ और हर दफ़ा देखने के बाद मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है कि इसका सीक्वल आएगा या फिर नहीं, और अगर आएगा तो कब तक आएगा। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो भाई, जॉन कार्टर एक अच्छी मूवी है, इसमें कोई शक नहीं। और जब इस मूवी का प्रोडक्शन चल रहा था तो उस टाइम पे इसके क्रिएटर ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस सीरीज में टोटल 3 मूवी को बनाएंगे। पहला जॉन कार्टर, जो 9 मार्च 2012 में रिलीज हुई, दूसरा गॉड ऑफ मार्स करके मूवी रिलीज होती, और तीसरा वॉरलॉर्ड ऑफ मार्स करके। मतलब तीनों मूवी ऑलमोस्ट प्री प्लान थी, बट फिर टाइम आया जॉन कार्टर मूवी को रिलीज होने का, जो कि टोटल $350 मिलियन लगा के बनाया गया था, जो उस टाइम पे मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी थी, क्योंकि उस टाइम पे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की बस एक ही मूवी थी जिसका बजट इतना हुआ करता था। खैर, जब इसके क्रिएटर ने पैसा लगाया है तो उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा थी, बट ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे $284 मिलियन का ही बिजनेस कर पाई, जो कि एक बहुत ही ख़राब अर्निंग थी। बट फिर भी इसके क्रिएटर हार नहीं माने, उन्होंने इसके सीक्वल को बनाने की बात की, और इवन इसके लीड एक्टर टायलर किच ने भी इसके सीक्वल को बनाने की बात की कि वो इंटरेस्टेड है ये करने के लिए। बट इवन डिज्नी से उस टाइम पे कुछ भी बात नहीं बन रही थी, क्योंकि इसे ग्रीन लाइट देने का मतलब है कि 200 से 300 मिलियन को इन्वेस्ट करना, और कोई भी प्रोड्यूसर एक बिग फ्लॉप मूवी पे इतना पैसा लगाना नहीं चाहेगा। और ठीक उसी टाइम पे इसके डायरेक्टर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बिजी हो जाते हैं, जो कि फाइंडिंग डोरी थी, जो कि एक एनिमेटेड मूवी है। खैर, इसके बाद न ही इसके प्रोडक्शन कंपनी ने उन्हें अप्रोच किया कि आप इस मूवी को बनाओ, और न ही इसके डायरेक्टर ने कुछ कहा। बट इसके लीड एक्टर टायलर किच से एक इंटरव्यू में आगे जाकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एंड्रू स्टेंटन जब इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए आगे आएंगे तभी वो एज ए जॉन कार्टर फिर से रिटर्न आने वाले। और फिर इसके बाद अक्टूबर 2014 में फाइनली डिज्नी इस फ्रेंचाइजी के राइट ब्रॉड स्टेट को दे देता है, जिसके बाद अब इसका सिक्वल बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जॉन कार्टर 2 अब कभी भी नहीं बनने वाली। और फाइनली नवंबर 2016 में इसके डायरेक्टर ओपनली आगे आकर ये बात कहते हैं कि उन्हें बहुत अफसोस है कि वो इस फ्रेंचाइजी को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो डैट्स इट, यहाँ पे इस फ्रेंचाइजी का डा एंड होता है, और अब फ्यूचर में जॉन कार्टर का सिक्वल कभी देखने को नहीं मिलने वाला। बट इसकी स्टोरी बॉर्सूम नाम के नॉवल से ली गई थी, तो अगर आप इसके आगे की स्टोरी जानना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बना दूंगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और जब भी सब्सक्राइब करने का मूड बने, चाहे वो आज हो या फिर किसी दिन, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ज़रूर करना, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय गाइज़।